अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तुम सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में जिसका नाम है लो सांभो। अभी वो अगले दिन एक मौलाना साहब ने एक मेरे खिलाफ क्लिप चढ़ाया हुआ और बाद में तुसा तो पूछ लियो बैसा कर दियो तो मिर्जे ने यूं कह दिया, मिर्जे ने फलाना कह दिया, जेलमी कुत्ते ने जेलमी कुत्ता खुदा दा वास्ता जी ना करो इस तरह। जे कदे तुसा इत्थे बंदे बन के सुनो तो तुसी जवाब दे ना सको नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। और ये तुसा गल्ला गौर नाल सुनया करो, एक कान च सुन के दूसरे च कढ़ दियो। इस कान से सुन के इधर से ही बाहर निकाल दिया होता है, इधर से भी नहीं निकालते कि दिमाग ही ना बह जाए। और वो दो चार किताबियां रख के तुम्हें अल्लाह का झांसा देकर पटड़ी पर से उतारते हैं। अबे साले, और तुम कहते हो देखो अल्लाह की तौहीद बयान हो रही है, अल्लाह की सिवा वाकईतन कोई अल्लाह नहीं, आहा कोई कादिर नहीं, आहा कोई कुछ नहीं, आहा ये गल्ला सुन। वो जी देखो जी वो किताबों के हवाले पेज नंबर वहां हदीस नंबर 1 1 1 3 4 5 ये वंस मोर हदीस नंबर 1 1 1 3 4 5 ये ही शी कुड कैट सेड डेड बैड फैट रेट और है और मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम और है। तनु नहीं पता अरबी का एक लफ्ज ना पढ़ सकता, ये मैं तुम्हारी इस्लाह करने लगा कि ये बंदा मुझे नमाज तजवीद के साथ सुना दे। मुफ्ती जमालुद्दीन बगदादी जी तजवीद के साथ, जो तजवीद है उसके साथ ये मुझे नमाज सुना देना तो मैं इसे आलम दीन मानने के लिए तैयार हो जाऊंगा। मेरे तो ख्याल में इसके तो अपने उलमा कहते हैं कि इनके पास आलम दीन की डिग्री कोई नहीं है। तो वो तो कहते हैं है। उनका हाल ही है कि उन्होंने मेरे खिलाफ वीडियो रिकॉर्ड कराई है और उन्होंने कहा कि जी हूं मिर्जा जेल में बोलेगा और कुत्ते से दिमाग ही भौंकने तो सुबह कुछ आई नहीं है। और उसके आगे वो कहते हैं कि तुम उन्होंने जवाब दे के बुखारी से हदीस क्यों लिखी है कि नबी इस्लाम ने इमामत की, तो वो झूठ निकला है, बुखारी में आई नहीं हदीस, वो मुस्लिम शरीफ में। All right, it's working. All right, good. Here we go. Oh, hey, hey. All right, it's working. All right, good. Here we go. Oh, hey, hey. All right, it's working. All right, good. Here we go. All right, good. Here we go.